हेलो नमस्कार दोस्तों, झारखंड मौसम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में दोस्तों पहले ही बरसात रुक गई है, लेकिन दो दिन के अंदर अंदर फिर से बरसात होगी और अगले 24 घंटों के दौरान भी एक बार फिर से बरसात की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिलेगा। तो कैसा रहेगा लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, धनबाद, देवघर, बोकारो, चतरा, सिमडेगा, खरसावां, सरायकेला, साहिबगंज, रांची, रामगढ़, पलामू, पाकुड़ समेत किसी भी जिले, गांव, शहर में रहते पूरे झारखंड के, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप झारखंड के कौन से जिले, गांव, शहर में रहते हैं। तो दोस्तों मौसम विभाग की माने तो पूरे झारखंड में भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ इजाफा, तो अनेक इलाकों पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो यहां पर झारखंड में दोस्तों भले ही बरसात की गतिविधियों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन एक बार फिर से दोस्तों 6 और 7 अगस्त को भयंकर बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी। वही दोस्तों मौसम विभाग की माने तो एक दबाव जो है मुताबिक दबाव का क्षेत्र जो था ना झारखंड पे, वो छत्तीसगढ़ की ओर शिफ्ट हो गया है और मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी वजह से बरसात में थोड़ी कमी आई है, लेकिन दोस्तों मौसम विभाग की माने तो 6 और 7 अगस्त को फिर से भारी बरसात होने, बिजली चमकने, मौसम में परिवर्तन और तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा। झारखंड मौसम विभाग की माने तो 24 से 48 घंटों के दौरान भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मैप में यहां पर बादल छाए रहने वाले जिलों की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान यहां पर चतरा में काफी ज्यादा बादल छाए रहेंगे, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, इन जिलों में भारी बादल छाए रहेंगे। बरसात की गतिविधियों के साथ बादलों की वजह जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी रहेगा। साथ में बिजली चमकने वाले जिलों की बात करें तो गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला, इन जिलों में दोस्तों भारी बरसात की गतिविधियों के साथ बिजली चमक सकती है, मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ भारी बरसात और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। साथ में येलो अलर्ट वाले जिलों की बात करें तो पलामू, चतरा, को यहाँ पर हजारीबाग, लातेहार और गुमला, इन जगहों पर दोस्तों भारी से भारी बादलों की वजह के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बरसात की गतिविधियों में इजाफा के साथ मौसम में बदलाव होने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। कुछ इलाकों पर दोस्तों भारी से भारी बरसात की गतिविधियों के साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। यहाँ पर गढ़वा, पलामू, चतरा, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बरसात की गतिविधियों के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, मौसम ठंडा सोना और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। अगर आप भी दोस्तों झारखंड में रहते हैं तो कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना और आपके यहाँ पर बरसात हो रही है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप सभी को बता दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान से ही झारखंड के विभिन्न इलाकों पर अच्छी खासी बरसात हुई है। यहाँ पर मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटों के दौरान खूंटी, गढ़वा जिले के कुछ स्थानों पर भारी बरसात हुई है। इसी दौरान सबसे अधिक सिमडेगा के बांसजोर में 161.4 मिलीमीटर, कुरडेगा में 150.8 मिलीमीटर और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बलोबा में दोस्तों जो 140.2 मिलीमीटर, पाकड़ डांड में 140 मिलीमीटर, थेतई टांगर में 130.6 मिलीमीटर, सिमडेगा में 129 मिलीमीटर, केरसई में 123 मिलीमीटर, बानो में 106 मिलीमीटर, कोलेबीरा में 85 मिलीमीटर, इसके साथ ही गढ़वा और तुर्की में दोस्तों जो है 92.5 मिलीमीटर, जब भवनाथपुर में 74.2 मिलीमीटर और यहाँ पर बताया जा रहा है कि खूंटी जिले के रनिया में 78 और खूंटी में 73.2 मिलीमीटर और पश्चिमी सिंहभूम और मनोहरपुर में 85.2 मिलीमीटर बरसात हुई है। मौसम विभाग की माने तो 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम में थोड़ा बदलाव होगा और दोस्तों यहां पर 6 और 7 जो है अगस्त को फिर से भारी मौसम में बदलाव के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना और भारी बरसात होने और बिजली चमकने के साथ अलर्ट भी जताए जा रहे, तो कुछ इलाकों पर मौसम में ठंडक और बरसात की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों यहां पर झारखंड मौसम विभाग की माने तो अनेक इलाकों पर बरसात की गतिविधियों के साथ भारी बरसात और गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में परिवर्तन, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ बिजली चमक सकती है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लोहरदगा में 23-24 रात के समय तो दिन में 26-27-28 के करीब तापमान रहेगा, पूरे 7 दिन बादल छाए रहेंगे, भारी बरसात होगी, बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना और भारी बरसात को लेकर अलर्ट है। यहां पर लातेहार में 2 दिन छिटपुट रविवार सोमवार से भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ बिजली चमकने और उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार है। यहां पर बताया जा रहा है कि पूरे कोडरमा में 4 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो यहां पर खूंटी में 4 दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। यहां पर बताया जा रहा है कि जामताड़ा में पूरे 7 दिनों तक भारी भयंकर बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन होगा।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि हजारीबाग में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट और उतार चढ़ाव जारी रहेगा और कुछ इलाकों पर भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा। वही दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि गुमला में पूरे चार दिनों तक भारी भयंकर बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम ठंडा सोना देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे दोस्तों गोड्डा में सात दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ तेज हवाएं चलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे गिरिडीह में चार दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है और उतार चढ़ाव जारी रहेगा और तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में बदलाव होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे दोस्तों गढ़वा में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है और मौसम में परिवर्तन उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम में पूरे सात दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। यहाँ पर दुमका में चार से पांच दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। धनबाद में अगले सात दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे देवघर में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट और विभिन्न इलाकों पर मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर बोकारो में दोस्तों पूरे सात दिनों तक मौसम बदलेगा, जिसमें चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, भारी बरसात होगी, मौसम में ठंडक, उतार चढ़ाव जारी और तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। चतरा में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। और यहाँ पर विभिन्न इलाकों पर मौसम ठंडा सोना रहने और उतार चढ़ाव जारी रहने के साथ मौसम में बदलाव आते हुए नजर आ सकता है, तो कुछ इलाकों पर मौसम में ठंडक भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिमडेगा में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। मौसम में परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ बदलाव और भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में ठंडक और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे दोस्तों मौसम विभाग की माने तो यहाँ पर खरसावां का मौसम बदलेगा, उतार चढ़ाव जारी रहेगा, तेज हवाओं के साथ परिवर्तन और बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, तो कई इलाकों पर बिजली चमकने और मौसम में बदलाव होने के आसार है। सरायकेला में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। यहाँ पर साहिबगंज की बात करें तो पूरे सात दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रांची में चार दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है, तो कुछ इलाकों पर भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना रहेगा। रामगढ़ में अगले चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट और उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पलामू में चार दिन भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी भयंकर बरसात की गतिविधियां जारी रहने के आसार है। पाकुड़ में अगले सात दिनों तक भारी बरसात और बिजली चमक सकती है। बरसात की गतिविधियां जारी रहेगी, मौसम ठंडा सोना रहेगा और भारी बरसात होने और बिजली चमकने को लेकर अलर्ट है। और विभिन्न इलाकों पर दोस्तों मौसम में हलचल देखने को मिलेगी, यानी कि दोस्तों पूरे के पूरे झारखंड में बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम ठंडा सोना, उतार चढ़ाव जारी है। और यहां पर तेज हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियों के साथ पिछले 24 घंटों के दौरान सिमडेगा में 161.4 मिलीमीटर, गढ़वा में 92.5 मिलीमीटर, पश्चिमी सिंहभूम में 85, बोकारो में 55, खूंटी में 73.2, जमशेदपुर में 43, रामगढ़ में 36.5, गुमला में 29.5, लातेहार में 28.2, गिरिडीह में 13.6, रांची में 48.8, धनबाद में 46.6 मिलीमीटर बरसात हुई है और भारी भयंकर बरसात की गतिविधियों के साथ मौसम में बदलाव हुआ है।